मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूँ कि जनरल फैसल नसीर का याद नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि जान को खतरा है, दो दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई, मैं नाम लेता हूँ, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की और इस ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाती पे, उसके पीछे भी यही था, अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज आईएसआई का तब्दील कर दिया। हम यहाँ एक साल आठ महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं, क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ मैं निकलने लगा हूं, मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का याद नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा।